सत श्री अकाल अंकल जी। सत श्री अकाल बेटे। कितना सुकून है अंकल आपकी आवाज में। सुकून तो उस प्रभु की आराधना में है, मेरी आवाज में सुकून नहीं। सच कहा आपने, इंसान चाहे जो मर्जी हासिल कर ले पर जो सुकून उस भगवान की आराधना में है वो और कहीं नहीं। वो दुनिया को बनाने वाला है बेटा, इंसान के करने से कुछ नहीं होता, इंसान तो बस एक खिलौना है। क्या हुआ अंकल, आप चुप क्यों हो गए? जब से मैंने यहाँ काम करना शुरू किया है तब से मैं देख रहा हूँ, ना तो कोई इनके सामने बोलता है और ना ही कोई इनसे बात करता है, आखिर बात क्या है? पता नहीं ये शख्स अपने दिल में दुखों का कौन सा समंदर लिए घूमता है, ना तो किसी से बात करता है। कई बार पूछने की कोशिश की पर ये किसी को कुछ बताता ही नहीं। हम सभी के जहन में ये सवाल है जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला और लगता है कि जवाब मिलेगा भी नहीं। पर अंकल मैं इसका जवाब जान के रहूंगा। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं, पर शांत रहने वाले लोग अक्सर खतरनाक होते हैं, ख्याल रखना। चलता हूं। हरमन, तुम यहाँ खड़े हो और मैं तुम्हें अंदर ढूंढ रही हूँ। जब से तुमने यहाँ ज्वाइन किया है तब से तुम्हारा ध्यान काम में कम और साथ में ज्यादा है। आखिर है कौन वो आदमी? पता नहीं सिमरन, पर इनका चेहरा मुझे किसी की याद दिलाता है। बस अब पता करना है कि क्या ये वही चेहरा है। ओ हेलो, जासूसी करना बंद कर और काम पर ध्यान दे, मैं जा रही हूँ अंदर। चल आ जा जल्दी। ऐसा भी क्या दर्द है जिसे आप अपने अंदर दबाए बैठे हो? आपके अतीत में चाहे जो कुछ भी हुआ एक बार बताने की कोशिश तो करो, क्या पता आपकी कहानी किसी की जिंदगी को रास्ता दिखा दे। हो सके तो मेरी इस गुजारिश पर गौर करना। चलता हूं। हॉल में बैठे हुए सभी सज्जनों, मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। हम अक्सर ये बात करते हैं कि हमारे एक दोस्त हरजोत सिंह किसी से बात क्यों नहीं करते, उन्हें क्या दुख है। ये सवाल हम सभी के जहन में, जिसका जवाब ढूंढने की हम सभी नाकाम कोशिश कर चुके हैं, लेकिन आज वो दिन आ गया है जब हम सभी को हमारे उस सवाल का जवाब आज खुद सरदार हरजोत सिंह जी देंगे। अब आपसे मुखातिब होंगे सरदार हरजोत सिंह। आप सभी को नमस्कार। अक्सर मुसीबतें और मजबूरियां आदमी के जहन पर हावी होकर उसको गलत रास्ता अख्तियार करने के लिए मजबूर कर देती हैं।
मैं भी एक छोटे से गांव आलमगीर के एक छोटे से परिवार का रहने वाला था। हम बहुत खुश थे। डोलू एक बात बता, तू यहाँ कपड़े टांगता ही क्यों है? माँ मैंने नहीं टांगा, भैया ने टांगा है मुझे परेशान करने के लिए। अरे नहीं माँ, ये झूठ बोल रहा है। नहाने से बचने के लिए कपड़े खुद ऊपर टांगता है और नाम मेरा लगा देता है। ओहो, यहाँ क्या पंचायत लगाई हुई है। गुरदयालकार जी, ये मिठाई का डिब्बा संभालो। पापा, क्या बात है, आज तो बड़े खुश लग रहे हैं आप। खुशी की तो बात है, निम्मी का रिश्ता हो रहा है। ओ अच्छा, तो फिर मैं तैयारियां करता हूँ। हाँ, बहू को भी बता दे। बात बन गई? हाँ, वो लड़के वाले देखने आ रहे हैं निम्मी को, उसे जल्दी से तैयार कर दे। शुक्र है भगवान का, हमारे घर भी खुशी आएंगी। ओ डोलू, मेरी बात सुन। हाँ बोलो। यार आज भगवान के लिए कम से कम नहा धो के तैयार हो जाना। ठीक है पापा जी। पापा के लाडले, तैयार हो जा। तैयार तो तब हूँ जब कोई कपड़े उतार के दे। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। अच्छा जी, इतनी तैयारी तो खुद की शादी में भी नहीं की थी जितनी बहन की शादी के लिए कर रहे हो आप। अरे जिसे तुम्हारे जैसी बीवी मिली हो उसे भला और क्या चाहिए होगा। अच्छा जी। बहू देखो तो जरा निम्मी तैयार हुई है या नहीं। जी मम्मी जी, देखती हूँ। भैया मैं कैसा लग रहा हूँ? मेरी पग, मेरा कुर्ता, मेरी जुती। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, अपना डोलू तो आज नहा धो के चिकना बन गया है। परेशान ना करो भैया। ओ डोलू, मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ यार। ओए होए, हमारी निम्मी तो आज बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही है। कहीं लड़की वाले आज ही ना ले जाए। सुनो भाभी, ये तो सुबह से ही तैयार बैठी है साथ जाने के लिए। चुप करो ना, तुम भी बस। देखो ना भाभी, सुबह से तंग कर रही हैं ये सब। देख रही हूँ भाभी, आपको देख के नाटक कर रही है अब। भाभी लड़के वाले आ गए। तू चल, हम निम्मी को लेकर आते हैं, चले। क्या बात है। ओ जी, रौनक ही राम जहाँ भी जाता है ना, वहाँ बस रौनक ही रौनक है। और तू तो किस्मत वाला है जो जोड़ियाँ बनाता है। मैं कौन होता हूँ जोड़ियाँ बनाने वाला, जोड़ियाँ तो ऊपर वाला बनाकर भेजता है। पर इंसान तो जरिया बनता है। ये कह सकते हैं बहुत लंबी उम्र दे रौनक ही राम। अरे रौनक ही राम बातें ही करता रहेगा, या मुझे मेरी बहू से भी मिलवाएगा। बहन जी थोड़ा सबर कीजिए, सबर का फल मीठा होता है। बहन जी आप पहले चाय तो लीजिए। हाँ। आपकी बहू भी बस आती बस आनी, ये लीजिए। आ गई जी आपकी होने वाली बहू। बहन जी मेरी बहू तो सूरजमुखी के फूल जैसी सुंदर है। बिल्कुल ठीक कहा। हाँ। हमारी निम्मू किसी फूल से कम थोड़ी है। अच्छा जी चलो, अब जब दोनों तरफ बात पक्की हो गई है तो करवाइए मुँह मीठा। करतार सिंह। ओ करतार सिंह। बेटा तू रुक, हाँ? मैं देखता हूँ, आप मुंह मीठा करो जी। हाँ, जी वो कौन है भाई? अरे दरवाजा खोलो। नमस्ते जी। जी कहिए। वारंट आया तेरा। वारंट? मेरा किस लिए वारंट है? किस लिए वारंट बताइए सर इन्हें। देखो तो सही कैसे भोला बन रहा है, जैसे कुछ पता ही ना हो। ये उस कर्जे का वारंट है जो तूने बैंक से लिया था और वापस करने का नाम ही नहीं ले रहा है। जरा धीरे बोलिए जी, अंदर हमारे मेहमान आए हुए हैं, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। मैं आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा, बस थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए मुझे। देख करतार सिंह, बैंक तुझे पहले ही बहुत मोहलत दे चुका है। मैं अभी आता हूँ। अंदर मेरी बेटी को देखने लड़के वाले आए, मुझे 15 दिन दे दीजिए, मैं सारा कर्ज चुका दूंगा। तू इतने दिनों में पैसा नहीं दे पाया तो 15 दिनों में क्या उखाड़ लेगा है? क्या बात हो गई सर? सर बड़ी मुश्किल से मेरी बहन का रिश्ता तय हो रहा है, हमें बस 1-2 दिन का टाइम दे दीजिए, हम आपके सारे पैसे वापस कर देंगे। अच्छा क्यों, बहन की शादी पैसों के लिए कर रहे हो क्या? जबान संभाल के बात कर। आवाज नीचे रख। इसे माफ कर दीजिए, मैं माफी मांगता हूँ, बस कुछ दिन दे दीजिए, हम सारा कर्जा उतार देंगे। चलो ठीक है, मुझे 15 दिन की मोहलत और देता हूँ। अगर तूने 15 दिनों के अंदर अंदर बैंक के पैसे नहीं चुकाए तो तेरी जमीन की नीलामी पक्की। याद रखना, फिर कहोगे बताया नहीं।
अरे मुझे पता है पैसे वैसे लौटा नहीं पाएंगे, जमीन नीलाम करनी पड़ेगी। चल चल चल। क्या हो रहा है? लगता है किसी से कर्जा ले रखा है इन्होंने। घर से कहीं चक्कर होगा कोई। बहन जी आप खड़े क्यों हो गए? मुंह मीठा करवाओ ना। हाँ ये लीजिए बहन जी, आप मुंह मीठा कीजिए। और कुछ बाकी रह गया क्या? बहन जी मेरी बात तो सुनिए आप। अब क्या बात सुनूं तेरी? मेरे बेटे के लिए क्या यही घर बचाता भिखारियों का? बहन जी मेरी बात सुनिए। बहन जी रुकिए, बहन जी बात तो सुनिए। मेरी बात सुनिए। जाने किन भिखारियों जी, मैं कह रहा हूं कि आप उससे अच्छी बहू हैं। उनको रोक ना। करतार सिंह जी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दीजिएगा। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ, नमस्कार। बड़ी मुश्किल से एक रिश्ता आया था, पता नहीं मेरे घर को किसकी नजर लग गई है। संभालो अपने आप को, ऊपर वाले के आगे किसकी चलती है। उस दिन सिर्फ मेरी बहन का रिश्ता ही नहीं टूटा, मेरा पूरा परिवार टूट गया। हरजोत आप रोको ना इसे, कहीं कुछ करना बैठे। घर की चौखट से रूठ गई खुशियां, मैं उन्हें खरीदने की औकात बना ना सका। मुझे माफ करना बहन मेरी, तेरे टूटते सपनों को मैं बचा ना सका। तू हंसते हंसते रो पड़ी, मैं तुझे फिर हंसा ना सका। तकदीर में उलझ गए जिंदगी के सब सपने, मैं तेरा छोटा सा घर भी बसा ना सका। घर भी नहीं बसा पाया, क्या करूंगा? तू हौसला रख यार, हम तेरे साथ हैं, कुछ नहीं होगा भाई। यार तेरी बहन हमारी बहन भी तो है, और तू ऐसे हिम्मत मत हार यार, हौसला रख, सब कुछ ठीक होगा, समझा तू? अगर तुझे मरना है तो मर जा। तूने कभी अपने माँ बाप के बारे में सोचा है? अपनी बहन के बारे में सोचा? अगर तू मर गया तो क्या होगा उसका? जा मर जा। मरू ना तो और क्या करूं? तू हौसला रख, ऐसे हमारी बहन भी तो है, चल हमारे साथ, हम सब ठीक कर देंगे। खड़ा चल। बेटा पता नहीं किसकी नजर लग गई इस घर की खुशियों को। पहले तो आप लोग रोना धोना बंद करिए। माँ बेटा अब हमारी जिंदगी में इसके सिवा और बचा ही क्या है? अंकल आप परेशान मत हो, कोई ना कोई रास्ता तो होगा ना। रास्ता किसी मुसीबत का निकलता, अब तो कुछ बचा ही नहीं। चिंता मत करिए चाचा जी, जब एक रास्ता बंद होता है तो 10 रास्ते खुल जाते हैं। वैसे हमारे पास एक रास्ता है। वो क्या? क्यों ना हम हरजोत को कनाडा भेज दें? हाँ ये ठीक रहेगा। गुरमीत बैंक वालों ने हमें 15 दिन का टाइम दिया, 15 दिन के बाद हमारी जमीन नीलाम हो जाएगी, और फिर कनाडा जाने के लिए तो बहुत पैसे चाहिए। देखिए अंकल एक रास्ता है मेरे पास, अगर हम अपना वो प्लॉट बेच दें तो वो आपका बैंक लोन भी चुक जाएगा और हरजोत बाहर भी जा पाएगा, और अगर पैसे कम पड़ गए तो मैं और गुरप्रीत संभाल लेंगे, और हरजोत भी तो बाहर जाके 4 पैसे कमाएगा। वो तो ठीक है, लेकिन मैं बाहर जाऊंगा कैसे? कैसी बात कर रहा है तू हरजोत यार, तू पढ़ा लिखा है, तू बात बात भी अच्छी कर लेता है। देख भाई हमारे पास एक ही रास्ता है, तेरी बाहर की लड़की से शादी करानी पड़ेगी। नहीं बेटा ये नहीं हो सकता, मैं अपनी बहू को अपनी बेटी से ज्यादा प्यार करता हूँ, मेरा जमीर इसके लिए नहीं मानता। अरे अंकल शादी तो वहाँ जाने का एक बहाना है बस। देख हरजिंदर मैं अपनी बीवी के साथ ये धोखा बिल्कुल नहीं कर सकता। देखो चाचा जी एक बार हरजोत बाहर चला गया ना तो सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी आपकी, हमारा काम है सलाह देना, बाकी मानना ना मानना आपके ऊपर है, अगर आपको ठीक लगे तो बता देना। देखिए अंकल और कोई रास्ता है भी नहीं, आपको जो फैसला लेना है जल्द से जल्द लेना पड़ेगा। गुरदयाल कौर कहने के तो हम अन्नदाता हैं, पर मैं अपने बेटे की एक ढंग की नौकरी भी नहीं लगवा सका। बेटी का रिश्ता करना चाहता था, वो भी नहीं हुआ। मैं सोच रहा था गुरमीत जो आज सलाह दे के गया है, अगर हमारे हरजोत की शादी ना हुई होती तो हम बाहर की किसी लड़की से उसकी शादी करके उसे विदेश भेज देते,
नहीं जी नहीं, इसमें उस बेचारी का क्या दोष, वो तो बर्बाद हो जाएगी। घर वाले के बिना अकेली औरत कैसे रह सकती है। बात तो मैं तेरी समझ रहा हूँ, हम किस्मत वाले हैं जो इतनी अच्छी बहू मिली है, पर अगर हमारा बेटा कनाडा चले जाए तो हमारे घर के हालात सुधर जाएंगे। खैर इंसान के दिल में होता तो बहुत कुछ है, पर वो सब कुछ तो नहीं कर पाता, शायद इसे ही बेबसी कहते हैं। खैर जो ऊपर वाले को मंजूर, जो उसने किस्मत में लिखा है, वो सब तो भुगतना ही पड़ेगा। पर अगर हमारा बेटा कनाडा चले जाए तो हमारे घर के हालात सुधर जाएंगे। खैर इंसान के दिल में होता तो बहुत कुछ है, पर वो सब कुछ तो नहीं कर पाता, शायद इसे ही बेबसी कहते हैं। पर अगर हमारा बेटा कनाडा चले जाए तो हमारे घर के हालात सुधर जाएंगे। खैर इंसान के दिल में होता तो बहुत कुछ है, पर वो सब कुछ तो नहीं कर पाता, शायद इसे ही बेबसी कहते हैं। बेटा बहू उठी नहीं अभी, तबीयत तो ठीक है ना? नहीं माँ, सुख तो बहुत देर से उठी है। सुख, ओ सुख, कोई नहीं आ जाएगी, तू रोटी खा। क्या बात हो गई, चिल्ला क्यों रहे हो? सुख तुम बात कैसे कर रही हो? अच्छा तो अब मेरा बोलना भी पसंद नहीं? तुम जानबूझकर मुझे दुखी क्यों कर रही हो? दुखी तुम कर रहे हो, मैं नहीं। मुझे तो आज इस घर की असलियत पता चली है। आज बहन का रिश्ता टूटा है, कल को पता नहीं मुझे ना भीख मांगनी पड़े। ये मजाक, माँ तुम हमारे बीच में मत बोलो, इसको तो मैं बताता हूँ। बस यही बाकी रह गया था, आज हाथ उठाया, कल को पता नहीं क्या करोगे तुम। मैं तुझे पता नहीं क्या समझता था, तू तो अपनी हद पार करती जा रही है। मैं इस घर में नहीं रह सकती। तुझे यहाँ रखना भी कौन चाहता है, निकल जा घर से बाहर। यहाँ रहना भी कौन चाहता है, और एक बात सुन ले, मैं यहाँ लौट कर नहीं आऊंगी। बेटा, बेटा। ये क्या हुआ, समझ में नहीं आता किसकी नजर लग गई है इस घर को। सुख बेटी, इतना वक्त हो गया तुझे इस घर में आए, तू कभी ऊंची आवाज में नहीं बोली, पर आज ये सब क्यों किया? हम जानते हैं तूने ये क्यों किया बेटा। अगर आप सब जानते हैं तो आपको मेरी कसम, आप हरजोत को कभी कुछ नहीं बताएंगे, मुझसे इस घर की हालत नहीं देखी जाती। ये सब मैं हरजोत के लिए कर रही हूँ। हमें सब पता है बेटा, पर ये जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला है, तू एक बार फिर सोच ले। मम्मी जी, मैंने सब सोच लिया है, मैं आप सबको यूं घुट घुट कर जीते बिल्कुल नहीं देख सकती। अगर मेरे इस फैसले से इस घर की खुशियां वापस आती हैं तो मुझे ये सब मंजूर है। पर बेटी, पापा जी मुझे मत रोकिए। हम तो बेटी तुझे चाह के भी नहीं रोक सकते, मजबूरियां इंसान से क्या क्या करवाती है। मजबूरियों ने ऐसे हालात बनाए कि जिंदगी के रास्ते ही अलग हो गए। पापा? हाँ? हाँ? पापा? हाँ बोल बेटा। मैं कनाडा जाने को तैयार हूं, आप जाकर गुरमीत से बात कर लीजिए। हाँ बेटा, अब तो यही ठीक रहेगा, तू फिक्र मत कर, मैं गुरमीत से बात करता हूँ और मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। ठीक है पापा। वाह मेरे प्रभु, पता नहीं तुझे क्या मंजूर है। पापा पैसों का इंतजाम हुआ? बस बेटा,
सब कुछ करके देख लिया पर 1,00,000 से ज्यादा नहीं हो पाए। तो फिर पापा हम क्या करेंगे? सब रिश्तेदारों से मदद मांगी, किसी ने मदद नहीं की। कुछ और जानने वाले उनसे पूछ के देखता हूँ। ये लो भैया, शायद इनसे बात बन जाए। नहीं सिम्मी, ये तेरी शादी के गहने हैं, ये मैं नहीं ले सकता। भैया गहनों का क्या है, ये तो दोबारा बन जाएंगे। एक बार आप कनाडा सेटल हो गए तो मैं वहीं के गहने पहनूंगी। जोत, मिम्मी ने ठीक कहा। खुश रहे मेरी बेटी, तेरी जैसी बेटी तो हर घर में हो। कौन कहता है कि लड़कियां लड़कों से कम है। मान जा बेटा। लो भैया, मेरे पास भी कुछ पैसे हैं, ये आप रख लीजिए। खुश रहे मेरे बच्चे। जोत, देखिए तुझे कितना प्यार करते। एक बार फिर सोच ले करतार सिंह, ये गहने तुमने निम्मी की शादी के लिए बहुत चाव से बनवाए थे। तो ठीक कहते भाई, पर अक्सर मजबूरियों के आगे इंसान की कुछ नहीं चलती। मैंने ये फैसला सोच समझ के लिया है, तो बस ये देख के बता इसके कितने पैसे मिलेंगे। इसका मैं तुझे 1,00,000 रुपए दे सकता हूं। बस 1,00,000? मेरी मजबूरी तो इससे कहीं ज्यादा है, मुझे ज्यादा पैसे चाहिए। अगर इतनी बड़ी मजबूरी है तो बाकी पैसे ब्याज पर दे दूंगा। पर एक बात सुन करतार, कर्ज का बोझ इतना भारी मत कर लेना कि बाद में उतारना मुश्किल हो जाए। बात तो तुम्हारी ठीक है, इसी बोझ को उतारने के लिए तो बेटे को कनाडा भेज रहा हूं। शायद कुछ हल निकल आए, नहीं तो फिर जो ऊपर वाले को मंजूर। खैर ला पैसे दे। ले जीवन, पैसे ले। बेटा पानी का एक गिलास तो दे। पापा कुछ इंतजाम हुआ? हाँ बेटा, सब बंदोबस्त हो गया। मैं गुरमीत को मिल के आया। लीजिए। तू कल की तैयारी कर ली? अरे इतनी जल्दी पापा? और नहीं तो क्या, तू सामान बांध, तैयारी कर, कल सुबह ही निकलना है तुझे। आप यहाँ संभाल लोगे सब? हाँ बेटा मैं हूँ ना। हाँ वो गुरमीत कह रहा था शायद 1-2 दिन लग जाए दिल्ली में, वो वहां से तुझे कनाडा भेज देंगे। बेटा हमारी फिक्र मत करना, सब ठीक हो जाएगा। चल खाना खा। हरजोत कनाडा जा रहा है। Thank you.
जगते तू ही मेरे बल न रहा, मैं ता उही सजना ख्याल तेरा मेरे बल न रहा। टुटिया नू तोड़िया है कातों तू खुदा, केड़ी गलों कीता दस मैनू तू जुदा, क्यों तू जिंदी नू रवाया सरा तू मैनू बैलन दे। परे आए मन मेरा बड़े चिर तू, तू कुछ मैनू कह लैन दे, तू कुछ मैनू कह लैन दे, तू कुछ मैनू कह लैन दे, तू कुछ मैनू कह लैन दे। किसे दा भी नहीं चजदा, पहला दिल फुला विच रख दे, आखरां नू कंडे आच वजदा। मैं कड ले सिटा जदा, यार किसे दा भी नहीं चजदा, पहला दिल फुला विच रख दे, आखरां नू कंडे आच वजदा। मैं बैठी होई अख के, मैं बैठी होई अख के, मैं हार गईया थक के, मैं हार गईया थक के सानू कले रह लन दे, के सानू कले रह लन दे। पर आए मन मेरा बड़े चिर तू, तू कुछ मैनू कह लैन दे, कुछ मैनू कह लैन दे, तू कुछ मैनू कह लैन दे, तू कुछ मैनू कह लैन दे। रब तो दुआवां मंगिया, मेरे दिल दा जे हाल जानना, पुछो तू जिथों मैं लंघिया। तुसी कीतिया ना गलां चंगिया, सी रब तो दुआवां मंगिया, मेरे दिल दा जे हाल जानना, पुछो तू जिथों मैं लंघिया। गुरी दसना नी बोल के, दसना नी बोल, खुश रह तू सानू रोल के, रह तू सानू रोल के, आ दुख सानू सह लैन दे, आ दुख सानू सह लैन दे। पर आए मन मेरा बड़े चिर तू, तू कुछ मैनू कह लैन दे, कुछ मैनू कह लैन दे, तू कुछ मैनू कह लैन दे, तू कुछ मैनू कह लैन दे। किसी ना किसी के रूप में ही मिलता है। मुझे भी भगवान मिला, मेरे दोस्त कर्मा के रूप में।
पहला जरदा भुलां विच लाउंदे फिर सतेरियां नूं हथ पाउंदे पहला जरदा भुलां विच लाउंदे फिर सतेरियां नूं हथ पाउंदे नी बाबे दा नाम त्या के कौंदे सिर जिन्नी फिर खा के सीना ताड़ लई दे पुरजा पछाण लई दे नी तो पुरजा पछाण लई दे वो यार शायद यही वाला है। ओ नमस्ते हरजोत जी नमस्ते। कर्मा? हाँ मैं ही हूँ कर्मा। वेलकम टू वैंकूवर एयरपोर्ट। चलो घर चलते हैं। हाँ ठीक है। अरे क्या बात हो गई यार हरजोत, बोल ही नहीं रहा। लगता है सफर ने ज्यादा थका दिया तुझे। नहीं भाई ऐसी तो कोई बात नहीं। अच्छा मैं गुरप्रीत को बता दूंगा कि तू ठीक ठाक पहुंच गया, वो तेरे घर पे जाके सबको बता देगा। और लड़की वालों से मेरी बात हो गई है, कल वकील से मिलके तेरी शादी भी हो जाएगी। यार देख तुझे एक बार पीआर मिल जाना बस, फिर तू ढेर सारे डॉलर कमाना, ऊपर वाला सब ठीक करेगा यार। बस भाई यही उम्मीद लेकर आया हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए। यार तू फिक्र मत कर हरजोत, मैं हूँ ना। आजा यार, कहाँ खो गया? वैसे पहुंच तू कनाडा गया है, लेकिन दिल तो तेरा पंजाब में ही है। मैं अपना सामान ले लूं? अरे कोई नहीं, सामान बाद में ले लेंगे। आजा। देख यार अजोध, ये है मेरा घर और ये है तेरी भाभी अमेंडा। नमस्ते जी। अमेंडा, चाय पानी का इंतजाम करो जरा। बिल्कुल। और ये है गुरलीन, मेरी लाडली बहन। नमस्ते, नमस्ते। Bro, I'm leaving now. Okay, baby, ध्यान रखना, okay? Bye. यार अर्जुन, जिंदगी तो बहनों के साथ ही होती है। हाँ भाई, बिल्कुल सही बात कही तूने। बहुत किस्मत वाले होते हैं वो भाई, जिनके पास बहनें होती हैं। वो अपनी सारी खुशियां कुर्बान करके अपने भाइयों की जिंदगी बना देती हैं। अरे यार, हम कुछ ज्यादा इमोशनल नहीं हो गए? चल तुझे तेरा कमरा दिखाता हूँ, कल सुबह जाना भी तो है। ऊपर वाले, यहां तक तो आप ले आए हो, आगे का रास्ता भी आप ही दिखाना। सब कुछ आप ही के हाथ में है प्रभु। जिंदगी ऐसे मोड़ पर थी जहां कनाडा में पीआर मिलने की खुशी भी थी और इसके लिए जो कुछ छूट गया उसका गम भी। ले भाई ले, अब तो तेरी नकली शादी भी हो गई, अब शुरू कर सकता है अपनी नई जिंदगी। हाँ यार, शुरुआत तो जिंदगी की तब होगी जब कोई काम मिल जाएगा। भाई तू उसकी चिंता क्यों करता है, तू मेरे साथ चल, तेरे को अपनी कंपनी में काम दिलाता हूँ। बस तू इतना बता, ट्रक चला लेगा ना तू? हाँ चला तो लूंगा, लेकिन मेरे पास लाइसेंस नहीं है। अरे तू फिकर क्यों करता है, जाम चल रहे है ना, वहाँ हर चीज का जुगाड़ है। और वैसे भी तू तो जानता ही है, ड्राइवरी हमारे खून में है, तू तो जानता ही होगा। अरे कनाडा में आधे ट्रांसपोर्ट वाले तो अपने पंजाबी लोग ही हैं, और उन ढेर सारे पंजाबियों में एक पंजाबी है हमारे भाई आर बी संधू साहब। और आर बी संधू साहब अगर किसी की बात मानते हैं तो वो है उनका चाचा, और ट्रांसपोर्ट में भी सब उन्हें चाचा ही कहते हैं। और ये जो चाचा है ना, बड़ा ही शातिर बंदा यार। अरे अपने को उससे क्या, छोड़ ना, अब मैं तुझे बताता हूँ उसके भाई के बारे में। रिक, भाई तगड़ा नशेड़ी है, सुबह हो या शाम हो एक ही काम है, सिर्फ ड्रग्स। इंडिया में फिल्म बनी थी ना वो उड़ता पंजाब, यहाँ बनेगी उड़ता कनाडा। दिन भर गोरियों की गोदियों में पड़ा याशियां करता रहता है, पर हमें क्या लेना, हमें तो काम है सिर्फ अपने काम से। एक भाई है मामबा, उसे कभी काम वाम करते तो देखा नहीं है मैंने, जब देखा उसे जिम के अंदर ही देखा, देख के तो लगता है कि काम उल्टा ही करता होगा, पर अपने को क्या यार, हमें तो इस सबसे दूर ही रहना है। यार वैसे तो कोई आरबी साहब से दुश्मनी करता नहीं, लेकिन एक दुश्मन है उनका, बॉब। आरबी, हम अपने अपने इलाके बांट लें तो अच्छा होगा।
इलाके तो जानवर आपस में बांटते हैं बॉब, और भी नहीं। और तुझे क्या लगा था कि चार भाड़े के टट्टू रख लिए, छोटे मोटे लफड़े करके तू खुद को आरबी के सामने बैठने लायक समझने लगेगा? बैठने लायक तो मैं अब भी हूँ, तेरे सामने भी और इस इलाके में भी। इलाके तो कुत्तों के होते हैं, शेरों के नहीं। और ध्यान रखना कि आज के बाद तू कभी मेरे सामने ना जाए, क्योंकि जिस दिन तू मेरे सामने आ गया उस दिन तुझे मुझसे कोई भी नहीं बचा पाएगा। फिर बनाते रहना इलाके अपने शमशान में। एक वक्त था जब ये साथ में काम किया करते थे, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब काम भी अलग हो गए और रास्ते भी। ले भाई, बात करते करते आरबी सर का घर कब आया पता ही नहीं चला। ले भाई आरबी, ये बन गया पटियाला पैग। ले खींच ले। अरे चाचा जी, आज सुबह से ही। ओए होए, क्या बात है कर्मा, आज सुबह सुबह घर कैसे? नमस्ते चाचा जी। नमस्ते भाई जी। नमस्ते जी। भाई जी, ये मेरा दोस्त है, इंडिया से आया है, अपने ट्रांसपोर्ट में काम करना चाहता है। लगता है जरूरतें बहुत हैं तेरी, पूरी कर लेगा क्या? इन जरूरतों को पूरा करने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। जितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है उतना बढ़िया ट्रक चला लेगा? ट्रक तो मैं चला ही लूंगा सर, लेकिन लाइसेंस नहीं है मेरे पास। आरबी का ट्रक चलाने के लिए लाइसेंस की नहीं, जिगरे की जरूरत होती है। आजा कल से काम पे। कल तो बहुत दूर की बात है सर, मैं तो आज से ही काम शुरू कर सकता हूँ। कर्मा। हाँ जी भाई जी। रख ले इसे काम पर। ठीक है भाई जी। नाम क्या है तेरा? जी हरजोत। हरजोत, हैरी, आज से लोग तुझे यही कहेंगे। जैसा आप कहें सर। थैंक यू भाई जी। और जब तक पंजाब से ऐसे लोग आते रहेंगे ना, आरबी के ट्रक हमेशा चलते रहेंगे। ओए अंदर देख के लगा जैसे छोले चल रही है, अपने आरबी साहब लग रहे थे गब्बर और तू लग रहा था ठाकुर। ले भाई ये भी आ गया। ओ रहने यार, रहने। ओ रहने यार, दोस्त है भाई यार अपना। हाथ है क्या थोड़ा? ओ छोड़ ना यार, तू क्या, तू हीरो बनता है, चल छोड़, हम इनसे दूर ही अच्छे हैं यार। ये ले अर्जुन, तुझे पीआरशिप भी मिल गई और साथ ही साथ एक अच्छी सी नौकरी भी मिल गई। अब तू भी खुल के गवा मेरे जैसे डॉलर, फिर दोनों भाई दो बैग लगाएंगे और पंजाब को याद करेंगे। देख यार, वहां जाना तो पॉसिबल नहीं है और वो दिल से निकलता नहीं है। और सुना, गुरप्रीत के क्या हाल है? पहले जैसा ही है वो, कि थोड़ा बहुत बदल गया है? गुरप्रीत ठीक है दोस्त। रही बात पंजाब की, तो पंजाब में बैठा हर पंजाबी कनाडा के ही सपने देखता है, और कनाडा में बैठा हर पंजाबी सिर्फ पंजाब को याद करता है। पंजाब में आज भी वही खेत हैं, वही गलियां और वही मजबूरियां, और उन्हीं मजबूरियों का सताया एक इंसान इस वक्त तेरे आगे बैठा है। अरे छोड़ ना ये सब, क्या बात पकड़ के बैठ गया, मैं खाने के लिए बोलता हूँ, तू अपना पैक खत्म करके फटाफट आना। वारी किस्मत, किसी ने सच ही कहा है कि दूसरे की थाली में रखा हुआ लड्डू बड़ा ही लगता है। अपनी ट्रांसपोर्ट, अब भगवान का नाम ले और कर दे काम शुरू। आजा आजा, अंदर ही आजा। ये अपनी ट्रांसपोर्ट का ऑफिस है। जैसे पेपर चेक करना, चल तेरे को जैस से मिलवाता हूँ। हाँ ठीक है। क्या हाल है जैस? नमस्ते। ये हरजोत है। नमस्ते जी। तो जैस, ये मेरा दोस्त हरजोत है। ओके। और हरजोत, ये है जैस, यहाँ की इंचार्ज है। हेलो। हाँ, आरपी सर ने बताया था फोन पर इनके बारे में। Welcome to Canada, Harjot. Thank you so much. अच्छा तुम एक काम करो, प्लीज इसका पेपर वर्क करा लो। तो यार कर्मा, क्या हुआ? मनप्रीत बुला रहा तुझे, ट्रक का लोड चेक कर ले। अच्छा आता हूँ मैं। अच्छा जैस, तू पेपर वर्क करा ले, मैं अभी आता हूँ। हाँ, आता हूँ मैं। ठीक है। और कैसा लगा कनाडा आपको? बहुत अच्छा है, मुझ पे एहसान है कर्मा और आरबी सर का, जिन्होंने
इस मुश्किल घड़ी में मेरा साथ दिया है। वो तो है। हरजोत आप पेपर्स पर साइन कर दो प्लीज। या श्योर। ये लीजिए। हाँ भाई जैस, हो गया पेपर वर्क? हाँ हो गया। हाँ हरजोत, अब मैं तुझे ट्रांसपोर्ट दिखा के आता हूँ। ठीक है जैस? ओके, अरे चल ना। नमस्ते। अखियां उड़ीक दियां दिल वाग मारदा आजा परदेसिया वे वास्ताए। ओ गुरजी साहब, किसका इंतजार हो रहा है? शर्मा जी, क्या हाल चाल है? हाँ भाई, तुझे मिलवाता हूँ। ये अपने शर्मा जी। हेलो जी, कैसे हैं आप? और ये मेरा दोस्त गुरदीप। आजा। हेलो भाई, कैसे हो? और इनका क्या कहूँ, मिलवा रहा हूँ जी, मिलवा रहा हूँ। ये है परम पूजनीय दलजीत सिंह जी, लेकिन प्यार से इन्हें डॉक्टर भुर्जी कहते हैं हम लोग। अभी नए आए हो यहाँ? जी हाँ। और जब मैं छोटा था ना जी, तो मेरे माँ बाप समझते थे कि मैं बड़ा होके बनूंगा डॉक्टर, बट मेरे हालात ने मेरी ऐसी भुर्जी बनाई कि मैं वाकई बन गया डॉक्टर भुर्जी। बिना उस दिन मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे मेरा नया परिवार मिल गया। अब मैं जैसे मिलवाऊंगा ना, थोड़ा बच के रहिए उससे। वो है मिस्टर गोली। गोली ना ट्रक का उस्ताद है, तू उससे सारी चीजें सीख लेना। हाँ जी नमस्ते। और गर्मा, क्या हाल चाल? मेरा हाल बहुत बढ़िया है। ये है मेरा भाई और ये पंजाब से आया है। अच्छा अच्छा अच्छा, कैसे हो भाई साहब? और सब बढ़िया? बस इसे थोड़ा सा ट्रक चलाना सिखा है। थोड़ा क्यों, पूरा सिखा देंगे। टेंशन क्यों ले रहा है तू? तूने कहा और काम हो गया बस। अच्छा अब तू यहाँ से जा, भाई की टेंशन मत ले, आधे घंटे में सिखा दूंगा। याद है ना? ध्यान रख। भाई कहाँ उसके पीछे जा रहा है, साथ चल, तुझे ट्रक में घुमाता हूँ, थोड़ा चक्कर वक्कर लगाते हैं, तुझे अपने ड्राइविंग स्किल दिखा दूं। छोड़ोगे तब? हाँ छोड़ दिया, कहाँ पकड़ रखा है, चल। अब खुल क्यों नहीं रहा, अब खुल जा, अब चल मेरी दगनो, काम पे चले। आपको याद है वो टाइम जब हम 18-18 20-20 घंटे काम करते थे, हफ्ते निकल जाते थे बच्चों से मिले हुए, और अब वाहेगुरु का शुक्र है भाई, बच्चों के लिए अब तो टाइम हम निकाल ही लेते हैं। हाँ यार, उस वक्त मजबूरियां ही कुछ ऐसी थी, और इंडिया से नए आए थे और डॉलर कमाने का शौक भी बहुत था। नमस्ते अंकल। और नमस्ते बेटा, क्या हाल है? ठीक हूँ डैड, आई नीड सम मनी। ये ले पुत्र, तू $10। आप मजाक कर रहे हैं, $10 से क्या होगा? पता है चाचा अपने बच्चों को कभी $100 से कम नहीं देते हैं। तो एक काम कर, ये पकड़ तू 100 का नोट और ये 10 अलग से, और जाके चाचे के लड़के को कह दियो कि मेरा बाप 100 मांगो तो 110 देता है। डैड मुझे पैसे चाहिए। वो अभी कल तो तुझे पैसे दिए हैं, तुझे हर रोज क्या पैसों की जरूरत पड़ती रहती है। So what? You know, मेरे फ्रेंड्स के मॉम डैड भी उन्हें रोज पैसे देते रहते हैं। ओ बेटा, वो उन्हें देते होंगे, लेकिन उनका हाल तो देख। मैं नहीं चाहता कि तेरा भी उनके जैसा हाल हो, पैसे नहीं मिलेंगे। हाँ आप समझ क्यों नहीं रहे, आई नीड द मनी। तू अब मुझे समझाएगा अपने बाप को? मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं पैसे नहीं दूंगा। गेट लॉस्ट, गो टू हेल। वो क्या हो गया यार? नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम बाप बेटे की आपसी बात है, कोई बात नहीं। ओ यार, आखिर कब तक हम अपने बच्चों की गलतियों पर पर्दा डालते रहेंगे? जो पैसा हम इन्हें प्यार समझकर दे रहे हैं ना, वो इनका दुश्मन बन रहा है, दुश्मन। यार ये तेरे साथ अकेले नहीं हो रहा, ये तो घर घर की कहानी है। ये एंडी कहाँ रह गया यार? पैसे लेके आया है? नहीं ला पाया, तुम तो जानते ही हो मेरे डैड को। तो अब क्या करना है? ये क्या है? तुम
हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला सामान है ये। इसे बेचो और पैसे कमाओ। इसके बाद ना घर वालों से पैसे मांगने की जरूरत और ना ही कहीं और हाथ फैलाने की। बॉब अब भी अपने एरिया में माल बेच रहा है। Stop it! अरे यार कर्मा, गड्डी लेके रस्ते पे। ओ कर्मा। हाँ वही, क्या हुआ? ये ले भाई मेरी पहली कमाई, इसे इंडिया भेज दे प्लीज। क्या बात है, डॉलर में कमा रहा है मेरा भाई। अरे टेंशन मत ले, घर पे भेज देंगे यार। अच्छा यार एक बात पूछनी थी तेरे से। हाँ बोल। मैं जैसे जो भी बात करता हूँ ना, वो बड़ा घुमा फिरा के जवाब देती है मुझे। ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या ना, जैस और उसका भाई यहाँ साथ में काम करते थे, फिर एक एक्सीडेंट हुआ और उसके भाई की डेथ हो गई। तब से अजीब सी बातें किया करती है। पर छोड़ना ये सब बातें, अरे तू अपने काम से काम रख और ये काम मैं अभी कराता हूँ। ओए गुरदीप। हाँ भाई। ले भाई को ले जा, उनके पैसे ट्रांसफर करा दे। ठीक है यार। ओके ठीक है, थैंक यू। आराम से यार। चाचा। हाँ। ये चल क्या रहा है? कोई सेल नहीं, कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा। कुलविंदर मामा को बुलाना। बेटे बिजनेस में अप डाउन तो चलता ही रहता है, ये तो मैं बताता हूँ यहाँ हो क्या रहा है, समझा? तू बैठ के बात किया कर, हमेशा गुस्से में रहता है। कितनी बार बोला तुझे, ना बता क्या बात है। जी भाई बोलो। आज भी हमारे पहुँचने से पहले ही बॉब ने हमारे क्लाइंट्स के साथ डील पक्की कर ली थी। मंबा, तू जाकर बॉब को एक बार वार्न कर दे। ठीक है, मैं समझाता हूँ सर। अब भी वार्निंग? हो क्या रहा है? वार्निंग से कुछ नहीं होने वाला, मैं कह रहा हूँ वो कुत्ता नहीं समझेगा। तुझे कितनी बार कहा है, तू पहले अपने आदमियों पर ध्यान दे। चाचा हाँ, ये कल की डिटेल भी चेक कराओ जरा। इतना नुकसान, ये तेरी आखिरी वार्निंग है। अरे जैकेट कहाँ रख दी मैंने? ओ अच्छा ये रही। ओह काम के लिए लेट हो गया यार। अब ये कैसे लॉक हो गया? खुल जा प्लीज, मैं पहले ही लेट हो गया हूं। अरे यार इस वक्त क्या मुसीबत है? कम से कम यहाँ तो ये गलत काम मत कर। किस बात की शर्म, और कौन से गलत काम? अच्छा सरेआम कर भी रहा है और मुझसे पूछ रहा है कि कौन से गलत काम। तुम क्या बोले जा रही हो? ज्यादा शरीफ मत बनिए, क्या खोल रहा है तू? अरे मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी खोलूं? ऐसे कैसे खोलेगा, ऐसे कैसे तेरी मर्जी, खोल के दिखा तू। लेकिन तुम हो कौन? तुमने ड्रिंक तो नहीं करी हुई? मुझे तो लगता था सिर्फ गोरियां ड्रिंक करती हैं। यहाँ तो लगता है तुम भी लगा के आई हुई हो। ड्रिंक मैंने नहीं, तूने कर रखी होगी। अच्छा? जब पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना तब पता चलेगा कि किसने ड्रिंक की हुई है। वाह भाई वाह। सुबह सुबह गोरे गोरे हाथों से मीठी मीठी चाय पीने का स्वाद ही कुछ और होता है यार। तुम सच कह रहे हो? मेरे पास एक कमाल का प्लान है, एक चाय की ठेली लगवा देते हैं तेरी, कसम से बड़ी सेल होगी। एक जोत? वो फिर से लड़ रही है? जैसी तू वैसी तेरी दोस्त, बिल्कुल तेरे जैसी है। चल चल के देखें किससे उलझ गई है अब। तो ठीक है बुला लो पुलिस। अरे क्या हो गया, लड़ाई क्यों कर रहे हो? गाइस तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? इससे पूछ यार, जबरदस्ती लॉक तोड़कर ही अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। हाँ अंदर घुस रहा था यार, एक तो दरवाजा लॉक हो गया, ऊपर से इससे चढ़ रही। अच्छा सुन मेरी बात सुन, ये एक जोत है, ये अमांडा की कॉलेज की दोस्त है, ठीक है? हाँ। और सुन एक जोत, ये हरजोत है, ये इंडिया से आया, ये अपने साथ ही रहता है। तो पहले बताना था ना, तुमने पूछा होता तब ना। कर्मा we are getting late, we have to go। हाँ चल रहे हैं चल रहे हैं। ओ कर्मा ये अब कौन सी कहानी सुना रही है यार? अरे यार इसकी मासी जो अमेरिका में है ना, वो तीसरी शादी कर रही है, तो वहाँ जाना है हमें। तू टेंशन मत लेना, हम जल्दी लौट आएंगे। ओके जोत, वो हरजोत को ट्रांसपोर्ट तक छोड़ दोगी क्या? लड़ना मत। चल मैंडा। ओके ऐसे खुलता है ये, मैं बाहर वेट कर रही हूँ। मेरा इंतजार तो पता नहीं कौन कौन कर रहा है। क्या बात है,
आजारबी का भाई हमारे घर में। जब कोई जानवर रास्ता भटक जाता है ना, तो उसे समझाने आना पड़ता है। पर हम समझाते नहीं हैं, सीधा ठोक देते हैं। छोटे, गन नीचे कर। और बात सुन, आरबी और मैं एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लेकिन एक वक्त था जब हम दोनों अच्छे दोस्त थे, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं अपने दोस्त के भाई को या मार दूं। तुझे बात करनी है, गन नीचे रख, सीधे बात कर। अब अगर तुम्हारे आदमी हमारे एरिया में दिखाई दिए ना, तो लाशें बिछा दूंगा मैं। और फिर भगवान ने एक जोत को मेरी जिंदगी में भेजा और उसने मेरी जिंदगी को एक नई दिशा दी। अर्जुन, जब कभी भी मैं अकेला महसूस करती हूँ ना, तो मैं यहाँ आ जाती हूँ। दुनिया के सारे सुख एक तरफ और यहाँ की शांति और सुकून एक तरफ। जब जिंदगी के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना, तो ऊपर वाला अपने आप रास्ता दिखा देता है। बड़े किस्मत वाले होते हैं वो लोग जो रोज भगवान के दर पे आते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, जब भी तुम्हारा मन करे तो मुझे बताना, मैं तुम्हें यहाँ ले आऊंगी। हाँ बिल्कुल। जा भाई रुक जा, ये क्या कर रहा है भाई? बंदा तो तू ठीक है, पर लग रहा है किस्मत तेरी खराब है। शकल से तो तू एक्टर है, लेकिन यहाँ पे ट्रांसपोर्ट में टाइम वेस्ट कर रहा है। ये देखा है, चुप करके अपना काम कर। गुरदीप। हाँ भाई। जैस आई आज? नहीं भाई, मैंने तो नहीं देखा। क्या हुआ, गुस्से में लग रहे हो? गुस्सा छोड़, ये बता जैस कहाँ है? उधर है यार, ऑफिस में। बड़ा गर्म लग रहा है। और तू क्यों खड़ा है, काम कर। Yes? Yes? ये मेरे ट्रक में जानबूझ कर रखा है या यहाँ पर यही काम होता है? हरजोत, मैंने तुमसे पहले दिन ही कहा था, यहाँ जो दिखता है वो है नहीं, और जो नहीं दिखता ये उसी का एक सबूत है। ये सब कुछ जानते हुए भी तेरे जमीर ने तुझे इजाजत दे दी? जब मजबूरियाँ हद से ज्यादा बढ़ जाती है ना, तो जमीर का सौदा करना पड़ जाता है। पर हरजोत अपने जमीर का सौदा नहीं करेगा। आरबी कहाँ है? घर ही होगा, पर कुछ भी करने से पहले एक बार सोच लेना हरजोत। भाई जी, ये वाला माल तो बहुत जबरदस्त है। अरे तू चुप कर यार, मेरी बात सुन। जैस का फोन आया था अपने ट्रांसपोर्ट ऑफिस से, वो जो नया लड़का रखा है ना, क्या नाम है उसका, हैरी। जैस बता रही थी बहुत गुस्से में है, इधर ही आ रहा है वो। कोई बात नहीं चाचा, आ जाने दो। भाई ये क्या चल रहा है ट्रांसपोर्ट में? लगता है यहाँ की हवा लग गई है तुझे, बोलने की तमीज भी भूल गया क्यों बेटे? तमीज नहीं, रास्ता जरूर भूल गया था। ओए, अपनी औकात में रह, तुझे पता है ना तू किससे बात कर रहा है? अच्छे से जानता हूँ कि किससे बात कर रहा हूँ। मुझे सब कुछ पता चल गया है कि तुम हमारे भोले भाले ड्राइवरों से कैसे गलत काम करवाते हो। गलत काम? किस गलत काम की बात कर रहा है तू? उस गलत काम की जिससे तुम्हारा घर चलता है, जिससे तुम लोगों की जरूरतें पूरी होती हैं। और तू कर क्या लेगा मेरा? मैं नहीं, अब पुलिस करेगी। आरबी नाम है मेरा, राय बहादुर सिंह संधु। और राय बहादुर सिंह संधु जहाँ खड़ा हो जाता है ना, दुनिया उसके पैरों में झुकती है। तू गीदड़ भक्कियाँ देकर मुझे डराएगा? और एक बात और सुन ले, जो ट्रक तू पिछले 6 महीने से चला रहा है वो मेरे नहीं बल्कि तेरे नाम पर है, तेरे। और अगर मैं फंसा ना
तो तू भी साथ में फंसेगा। अगर मैं जेल में गया तो तू भी जेल जाएगा, और जेल जाने के बाद मेरा भाई तेरे दोस्त कर्मा का, उसकी बहन का और उसकी बीवी का जो हाल करेगा ना, वो तू सोच भी नहीं सकता है। जल दफा हो जाए यहाँ से। देखता हूँ तुझे यहाँ कनाडा में कौन सपोर्ट करता है। जो मेरी किस्मत में होगा ना, वो मुझे मिल के रहेगा। और मेरे पिताजी ने कहा था, भले ही जमीन बेच देना लेकिन जमीर कभी नहीं। ये पकड़ अपने ट्रक की चाबियां, अब मैं मुड़ के वापस नहीं आऊंगा। मजबूरियां तो बड़े बड़ों का जमीर बिकवा देती हैं, तो तू क्या चीज है? ओए रिक, जा साले का सामान उठा के सड़क पर फेंक दे। हो जाएगा, शहर में दिखना भी नहीं चाहिए। तू अभी यहां से गया नहीं? बात सुन ले, अगर तूने पुलिस या और किसी को इस बारे में बताया भी ना, तो ये तेरे लिए बहुत खतरनाक होगा। ए, निकालो इसे यहां से। आज छोड़ो, मैं खुद चला जाऊंगा। कनेडा की ने बात पुछनी केड़े पिंड है गे नानक ने तेरे, केड़े पिंड है गे नानक ने तेरे, किसे ना तेरी बात पुछनी। हुंदे देश ही ने खुशियां दे खेड़े, कनेडा की ने बात पुछनी। छड़ के एक दिन बंदिया है पछताउना पैना, है पछताउना पैना, है पछताउना पैना, उत्थे कमली पहिए रखदा इत्थे बनना पैना, इत्थे बनना पैना, इत्थे बनना पैना, इसनु छड़ के एक दिन बंदिया है पछताउना पैना, उत्थे कमली पहिए रखदा इत्थे बनना पैना, नौकर बनना सिख लै नाले रुखे बोलां दा सैना, धौण सुट के मनना पैना। कनेडा की ने बात पुछनी। पैसा पैसा करदा बंदिया क्या पैसे दियां बातां, क्या पैसे दियां बातां, क्या पैसे दियां बातां, पैसा पाके भी मिलदियां इत्थे कालियां रातां, इत्थे कालियां रातां, इत्थे कालियां रातां। पैसा पैसा करदा बंदिया क्या पैसे दियां बातां, पैसा पाके भी मिलदियां इत्थे कालियां रातां, सुन लै मेरी इक कन लाके रस्सी झूठ ना आखां, धार सोहणिया देस ना छड्डी, धार सोहणिया देस ना छड्डी, धार सोहणिया देस ना छड्डी, इहो मारा हक। हुंदे देश ही ने, हुंदे देस ही ने खुशियां दे खेड़े, कनेडा की ने बात पुछनी। केड़े पिंड है गे नानक ने तेरे, केड़े पिंड है गे नानक ने तेरे, कनेडा की ने बात पुछनी। हुंदे देश ही ने खुशियां दे खेड़े, कनेडा की ने बात पुछनी। नमस्ते माँ।
कैसा है बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ, आप बताइए घर में सब ठीक है? बस ठीक ही है बेटा, मैं ठीक हुई तो तेरे पिताजी बीमार पड़ गए। क्या हुआ पिताजी को, उन्हें अस्पताल लेकर गए कि नहीं? हाँ लेकर गए थे अस्पताल, उन्होंने कैंसर बताया है। क्या कैंसर? किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाओ उनका। इलाज तो तभी होगा ना बेटा, अस्पताल वालों ने 10 लाख मांगे हैं। अब तो तू ही हमारी उम्मीद है, तेरे अलावा और है ही कौन? तू पैसे भिजवा देगा ना? हाँ पैसे की चिंता मत करो माँ, बस किसी अच्छे डॉक्टर से पिताजी का इलाज करवाओ। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना, रखती हूँ। कर्मा बोल रहा हूँ। हाय कर्मा। तूने फोन किया था क्या? हरजोत का कुछ पता चला क्या? नहीं जोत, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। मैंने भी उसे हर जगह ढूंढा कर्मा, ट्रांसपोर्ट भी गई थी लेकिन कुछ पता नहीं चला। तू परेशान मत हो, हम लोग आज ही लौट कर आ रहे हैं, और फिर भी अगर तुझे कुछ पता चलता है तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म करना। ओके? और अगर तुम्हें कुछ पता चला तो मुझे भी बताना। ओके? हाँ, जरूर बताऊंगा। बाय। ओके बाय। हरजोत की तलाश में मैंने आरबी से लेकर ट्रांसपोर्ट के हर एक शख्स से बात की, पर मुझे हरजोत नहीं मिल रहा था। और फिर एक दिन हरजोत कहाँ चला गया था तू? यार जानता मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। कर्मा तुझे पता है आरबी? मेरा भाई तेरे दोस्त कर्मा का, उसकी बहन का और उसकी बीवी का जो हाल करेगा ना, वो तू सोच भी नहीं सकता है। यार तू मुझे आरबी के पास ले चल। यार मैंने तुझे पहले ही कहा था, तू अपने काम से काम रखना। देखे रे जो बड़े लोग है ना, इनसे उलझने का कोई फायदा नहीं होता है। तू परेशान मत हो यार, बाकी बातें रास्ते में करेंगे। मैंने ट्रांसपोर्ट में फोन किया था, आरबी घर पे ही है, मैं उनसे बात कर लूंगा। नहीं यार कर्मा, आखिरी बार भी मैं आरबी से अकेला ही मिला था, आज भी अकेला ही मिलूंगा। जैसी तेरी मर्जी। इज्जत उतार दे साले की। बड़ा आया इज्जत और जमीर वाला आदमी, उतार दे साले की सारी इज्जत। वाह वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, मार साले को। भाई जी। भाई जी, आज तो जी लग गया है। आ गई अकल ठिकाने, क्या बात है। कहा था ना तुझे, खुदा का कहा या आरबी का कहा, कभी गलत नहीं होता है। आरबी सर चाबियां। चाबियां तो मिल जाएंगी, पर बापू के जमीर वाली बात फिर से याद तो नहीं आ जाएगी। देखिए सर, जमीर का चोला तो मजबूरियों ने उतार फेंका, जिस बाप ने ये बातें सिखाई थी आज उसी की सांसों के बदले अपना जमीर बेच रहा हूं। ठीक है फिर, ये पकड़ चाबियां, वेलकम बैक। छोड़ो ना हरजोत, जो भी हुआ सब भूल जाओ। ये लो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आई हूँ, तुम्हारी फेवरेट कड़क वाली चाय। थैंक यू हरजोत। वेलकम। पता है? तुझे देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि तू यहीं कनाडा में पली बढ़ी है, तूने तो पंजाब को अपने दिल में बसा रखा है। रहती तो मैं यहाँ कनाडा में हूँ लेकिन मेरा दिल पंजाब में बसता है। मेरा बहुत मन है यार पंजाब में अपना एक घर हो, मेरा अपना एक परिवार हो, जिनके साथ खुशी से मैं अपनी सारी जिंदगी बिता सकूं। तुम कहां खो गए? बस उन्हीं यादों में जिन्हें याद करके बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। मैंने तुझे अपने अतीत के बारे में कुछ नहीं बताया। मुझे पता है, कर्मा ने मुझे सब बताया है।
पंजाब में तुम्हारी वाइफ तुम्हें छोड़ के चली गई और इन्हीं मजबूरियों के चलते पीआर के लिए तुमने यहाँ फेक मैरिज की, पर तुम फिक्र मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। सॉरी, गलत घर में आ गया मैं। आर यू लुकिंग फॉर समवन? हाउ आर यू? आई एम फाइन। नहीं, मतलब हु आर यू? ओह यस, आई एम कर्मास वाइफ। अच्छा, भाभी हो? भाभी नमस्ते। इतनी गोली पता नहीं कौन सी क्रीम लगाती है। अच्छा, कर्मा भाई कहाँ पर है? गोली भाई, क्या हाल चाल है? हेलो भाई जी, कैसे हो? चलिए ऑफिस चलते हैं, आइए। अरे चलते हैं भाई, पहले भाभी के साथ बातें कर ले। अरे किसी और दिन कर लेना, फिलहाल बहुत लेट हो रहा है। किसी और दिन इंट्रोडक्शन तो करा दे कम से कम। अच्छा ठीक है। अमेंडा इनसे मिलिए, ये बहुत बड़ी गोली है। मेरा नाम गुरप्रीत गोली, नमस्ते भाभी। हो गया इंट्रोडक्शन, अब चलें। खुश है? चल चल चल, कोई नहीं भाभी, मैं फिर आऊंगा। आ जा यार, चल चल यार, साथ में खाना भी खा लो। गोली चल यार, नमस्ते भाभी। Hi Jess. नमस्ते जी। लगता है जमीर और मजबूरी की लड़ाई में मजबूरी जीत गई है और जमीर हार गया है, तभी तुम वापस यहाँ दिख रहे हो। ऐसा है जैस, कई बार जिंदगी में सीखी हुई बातें सुनने में बहुत आसान लगती हैं, लेकिन उन पर अमल करना बहुत मुश्किल होता है। चल कोई नहीं, अब मन लगा कर काम करना, ऊपर वाला सब सही करेगा। हाँ, डोर तो ऊपर वाले के हाथ में ही है, हम तो बस उसके हाथ की कठपुतलियाँ हैं। ये लो अपने अगली ट्रिप के पेपर्स। ओके, फिर मिलते हैं। ओए गुरदीप। हाजी भाई जी, आया। आजा आजा भाई, यहाँ आजा, अपना नया लोड आ गया है, आकर देख ले। चल तैयारी कर ले। इस बार कहाँ? फिर टोरंटो? अरे टोरंटो हो या एले क्या फर्क पड़ता है, हमें तो बस ट्रक ही चलाना है। सही का, 3 दिन आने के 3 दिन जाने के, हफ्ता निकल गया। चल भाई गुरदीप, कर ले तैयारी। तुझे शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? ड्रग्स लेने लगा तू, ये बीमारी तुझे बर्बाद कर देगी। ओए, वो कुछ तो सोचा होता अपने बाप के बारे में। अच्छा, आपने कभी मेरे बारे में सोचा है? मॉम के जाने के बाद आप हफ्ते हफ्ते भर घर नहीं आते थे, बस पैसे के पीछे पड़े थे। लेकिन बेटा, ये पैसे तो मैं तेरी खातिर ही कमा रहा था ना, ताकि तुझे जिंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। पर आपने कभी ये पूछा कि मुझे पैसों की जरूरत है या आपकी? पूरे पूरे दिन मैं इस घर में अकेला पड़ा रहता था, पर अब आपको मेरी ये गलतियां नजर आ रही हैं। मैं आज जिस भी हालत में हूँ उसके जिम्मेदार हैं आप, ना कि मैं। मुझे बचपन में आपने बिल्कुल टाइम नहीं दिया, अब मुझे पैसे चाहिए, मतलब मुझे हर हाल में पैसे चाहिए। छोड़ो, स्टॉप इट एंडी, अब तो बाप पर हाथ उठाएगा। आप क्या कर लेंगे? कर्मा ने इसे वो ड्रग्स लेने वालों के साथ खुद देखा। शर्मा जी, ये गलती सारी तुम्हारी है। जब पुलिस तुम्हारे पास बार बार आती थी और आकर तुमसे पूछती थी, और तुम्हें पता होने के बावजूद भी तुम इसकी गलती को छिपाते रहे। गलती? गलती ये कि मैं अपनी फैमिली के लिए यहाँ कनाडा आया, या गलती ये कि इसकी खातिर मैंने अपनी जवानी गला दी, अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी, अब वही औलाद मुझे मारना चाहती है। अगर पुलिस के पास जाता हूँ तो समाज में बदनामी होती है मेरी, अगर नहीं जाता हूँ तो मेरी औलाद मुझ पे हाथ उठाती, कहाँ जाऊँ? गुरु, दिल छोटा ना कर यार गुरुजी। ओए कर्मा। हाँ भाई। जरा अपना फोन तो दे यार, मुझे घर पे फोन करना है। हाँ ये लेना यार, कैसी बात करता है। एक क्या तू दो कॉल कर। थैंक यू भाई। और एक बात सुन, कल तेरे को भी फोन दिला दूंगा मैं। कोई नहीं यार, तेरे वैसे ही मुझ पर बहुत एहसान है, एक बार काम सेट हो जाए फिर फोन भी ले लेंगे। और तू बेकार की बात मत कर यार, तू आराम से बात कर, मैं बस यूं गया और यूं आया। ओके हाँ हाँ, ओके ठीक है ना? ठीक है। आंटी को मेरा भी नमस्ते बोलियो। नमस्ते ताई जी। नमस्ते, कौन? हरजोत बोल रहा हूँ। और क्या हाल है? हाल तो ठीक है, बस एक छोटा सा मैसेज भिजवाना था। मैंने गुरप्रीत के हाथ कुछ पैसे भेजे, बोलना वो जाके ले लें। ठीक है बेटा। और साथ में ये भी बोलना है कि मैं रात को 9 बजे कॉल करूंगा, आप माँ को अपने पास बुला लेना। हाँ बेटा, मैं बुला लूंगी तेरी माँ को। ठीक है ताई जी। अरे जो तुम इस वक्त, अमांडा तो नहीं है? जरूरी तो नहीं ना कि मैं सिर्फ अमांडा से ही मिलने आऊँ। कर्मा सुनना, मुझे कर्मा से भी नहीं मिलना। क्या मतलब?
ओए मतलब मैं तुझे बताता हूँ यार, जब जिंदगी एक रास्ता बंद करती है तो दूसरा खोल भी देती है। जानता तेरे दूसरे रास्ते का नाम क्या है? एक जोत। यार एक जोत बहुत अच्छी लड़की है, इसे अपना ले। देख कर्मा, मैं जिंदगी में इतने रिश्ते गंवा चुका हूँ, अब मेरे अंदर और हिम्मत नहीं नए रिश्ते बनाने की। यार तू मेरी बात तो समझ। नहीं कर्मा, तुम रहने दो, शायद मैं ही पागल थी जो एक तरफा रिश्ता जोड़ने चली थी। I'm sorry हर्षोत, अगर मेरी किसी भी बात ने तुम्हें हर्ट किया हो। देख यार मेरी बात सुन, एक जोत ना एक बहुत ही अच्छी लड़की है, ऊपर वाले ने शायद इसे तेरे लिए ही भेजा हो। देख यार देर मत कर और अपना ले इसे, जा यार जा। जोत, क्या तुम मेरा जिंदगी भर साथ दोगी? नहीं। पर तुम तो कह रही थी कि। हाँ इडियट, दूंगी। मेरे बारे में सब जानते हुए भी? जरूर दूंगी। अखियां नू बोलन दे, चुप रहन दे बुलानू। अखियां नू बोलन दे, चुप रहन दे बुलानू। दिल बिच मुहब्बत दे, खिड़ लैन दे फुलानू। अखियां नू बोलन दे, चुप रहन दे बुलानू। अखियां नू बोलन दे, चुप रहन दे बुलानू। मुहब्बत दा किन्ना लगे अजीब जिहा एहसास, मुहब्बत दा मिनी मिनी पूर वगे दिन खास, मुहब्बत दा किन्ना लगे अजीब जिहा एहसास, मुहब्बत दा। कहिंदे रब भी बख्श दिंदा बचपन दिया भुलां नू। अखियां नू अखियां नू बोलन दे, चुप रहन दे बुलानू। अखियां नू बोलन दे, चुप रहन दे बुलानू। ना कर कोशिश नकाम जही तैना दिल नू टोकन दी, कोई वजह ता होवे नी ऐ मैं दिल नू रोकण दी। ना कर कोशिश नकाम जही ऐना दिल नू टोकण दी, कोई वजह ता होवे नी ऐ मैं दिल नू रोकण दी। इश्क ने कदम लिया दुनिया दे असूलां नू। अखियां नू अखियां नू बोलन दे, चुप रहन दे बुलानू। अखियां नू बोलन दे, चुप रहन दे बुलानू। लोकी लभण ख्वाबां चों असीं इक दूजे चों लभ लिया, खेड़े निशान जिमें ओ नेड़े रब गया। लोकी लभण ख्वाबां चों असीं इक दूजे चों लभ लिया, इंदी खेड़े निशान जिमें ओ नेड़े रब गया। रज रज के माण लईए मौसम दियां खुल्लां नू। अखियां नू अखियां नू बोलन दे, चुप रहन दे बुलानू। अखियां नू बोलन दे, चुप रहन दे बुलानू। एक जोत, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। ओह रियली? हाँ। पर कहाँ? मलकीत अंकल के घर के पास। ओह माय गॉड, तू ठीक है ना?
या एक जूट, डोंट वरी, आई एम परफेक्टली फाइन। तुम अपना ख्याल रखना, हम मिलते हैं, ओके? हाँ, ठीक है। बाय। बाय। ये लो चाय एक जोत। थैंक यू। अरे क्या हुआ, बड़ा परेशान लग रही हो, कोई प्रॉब्लम? यहाँ कुछ लोगों ने सारे यूथ को ट्रैकेट बना के रख दिया है, हर रोज किसी पे गोली चलती है। अरे तू छोड़ ना, हमें इन बातों से क्या लेना देना? लेना देना है, मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई, मेरे भाई की डेथ ड्रग्स की वजह से ही हुई थी। मॉम डैड हमें कनाडा लेकर आए ये सोच के कि यहाँ उनके बच्चों की लाइफ सेटल हो जाएगी, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मॉम डैड के जाने के बाद मेरे भाई को उसके कुछ दोस्तों ने ड्रग्स की लत लगा दी, और एक दिन इन्हीं गलियों में एक ड्रग माफिया ने उसे गोली मार दी। और उसी दिन से कोई भी मुझे अगर ड्रग्स से जुड़ा मिलता है तो मेरा मन करता है मैं उसे गोली मार दूं। क्या बात है मेरी जान, लगता है मेहनत रंग ला रही है तेरी। यार बड़े पैसे इकट्ठे कर लिए तूने तो। बस यार, ऊपर वाले का हाथ है, इतने पैसे कमा लिए हैं कि पंजाब जाके पिताजी का कर्जा उतार सकूं और बहन की शादी करा सकूं। अच्छा यार, मेरा एक छोटा सा काम कर दे। हाँ हाँ बोलना यार, क्या काम है? यार मेरी इंडिया की टिकट करा दे जल्दी से, अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। तू परेशान मत हो यार, तू बस जाने की तैयारी कर, तेरे टिकट्स का इंतजाम तो मैं कर दूंगा। अरे कर्मा भाई कैसे हो? ओ गोली भाई कैसे हो? ओ बहुत बढ़िया जी, बहुत भाई। नमस्ते जी। अरे वाह भाई क्या बात है, आज तो सुबह सुबह डॉलरों के दर्शन हो गए। ओ बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा सुनो, तुम्हें आरबी साहब ने घर पर बुलाया, ठीक है तो पहुंच जाना। ये अरे ये तेरे पास रहे या मेरे पास, एक ही बात है। बिल्कुल, वैसे आपकी बात तो ठीक है, लेकिन मेरे पास रहे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तुम पहुंचो भाई। हाँ चलो भाई, इसकी टिकट कराने चलते हैं, साथ में घर पे कुछ चाय नाश्ता भी कर लेंगे। अरे कितना टाइम लगता है? ओ छोड़ यार। अरे यार बड़े नखरे हैं, इसी बहाने भाभी जी से मिल लेते हम भी। भतीजे, ये जो तू हैरी के नाम पर ट्रक पर ट्रक लिए जा रहा है ना, ये ठीक नहीं है। नए आदमी पर इतना भरोसा अच्छा नहीं होता, किसी का क्या भरोसा कब बदल जाए। चाचा लगता है आप आज तक मुझे समझ नहीं पाए। पर आरबी, हमने उसे एक बार बदलते हुए देखा तो है, इसलिए कह रहा हूँ हमें उस पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। आगे तेरी मर्जी। नमस्ते आरबी सर। हाँ भाई हैरी बैठ, तेरी ही बातें चल रही थी। वैसे मुझे भी आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे तेरी बात बाद में कभी सुन लेंगे, आरबी तुझे बहुत ऊपर पहुंचाना चाहता है, कह रहा है तुझे मैनेजर बना दें। जिम्मेदारी थोड़ी बड़ी है पर तू निभा लेगा ना, खुश है? लेकिन सर मैं तो पंजाब वापस जाना चाहता हूँ। पंजाब? हाँ जी, कुछ दिनों के लिए। दरअसल बात यह है कि इतने पैसे जुड़ गए हैं कि मैं जाकर बहन की शादी कर सकता हूँ और पिताजी का कर्जा भी उतार दूंगा। ठीक है, तो फिर कब की कराऊं तेरी टिकट? टिकट तो सर कर्मा करवा रहा है। ठीक है, तो फिर मैं जाने की तैयारी कर लूं। जा भाई जा, पर वहां पहुंच के खबर जरूर कर देना। जी हाँ बिल्कुल, नमस्ते। हाँ ठीक है। भतीजे, जिस घोड़े पर तू दाव लगा रहा था वो तो पलट गया, उड़ गया पंछी। चाचा हाँ। सोचने के कौन से पैसे लग रहे हैं। हाँ ये भी ठीक है। हरजोत, हरजोत, हरजोत। अरे, क्या हरजोत हरजोत लगाया है, ये देख पिताजी के लिए ली है, कैसी है, बढ़िया लग रही है ना? और अब ये देख बहन के लिए, ठीक है ना? हाँ बढ़िया है ना? और ये माँ के लिए लिया है। भाई तेरी घर से फोन आया। तो क्या हो गया? तेरी ताई बहुत घबराई हुई थी, तू पहले उनसे बात कर ले। चल चल। नमस्ते ताई जी। नमस्ते बेटा। हरजोत बोल रहा हूँ, सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है बेटा, अब क्या बताऊँ तुझे। क्या बात हो गई ताई जी, आप बहुत परेशान लग रही हैं, मुझे साफ साफ बताइए क्या बात है, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। पता नहीं बेटा तेरे घर में कैसे आग लग गई, सब कुछ जल के खत्म हो गया बेटा। ताई ये क्या कह रही हैं आप? तू जल्दी आ जा, तू जल्दी आ जा। सर
चल हम लोग इंडिया चलते हैं, ठीक है? अब इंडिया किसके पास जाऊंगा? सब कुछ तो जलकर खाक हो गया और मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि मैं घर जाकर ये सब देख सकूं। हिम्मत रख यार, सब खत्म हो गया, अब मैं जिंदा रह के क्या करूंगा? मेरा सब कुछ जलकर तबाह हो गया। भाई खुद को संभाल, तू, हम सब तेरे साथ हैं। मुझे माफ कर देना पिताजी, आपका हर जोत आपके काम नहीं आ सका, आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। तू यार सुन, कर्मा मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दे यार। भतीजे, ओ आरबी, बोल चाचा। बॉब के इन कुत्तों ने बड़ा गंद मचा दिया है, बड़ा लफड़ा कर रखा है। मेरी बात मान, ठोक दे। कह तो तू ठीक रहा है। भाई मैंने कहा था ना, वो कुत्ता बॉब सुधरने वाला नहीं है, उसे सुधारने के लिए कुछ करना ही पड़ेगा। हमारे एरिया में वो फिर माल बेच रहा है, उसे वार्निंग देने से कुछ नहीं होने वाला। या तो मुझे उसे गोली मारने की छूट दो, नहीं तो मैं खुद को। देख, इसे छोड़ और इसे पकड़, गेम बजा दे सबका। दलवीर, हाय। हाय, लॉन्ग टाइम, अच्छा लगा तुम्हें देखकर। और एकजुट, कैसे हो तुम? अच्छी हूँ, लेकिन शादी के बाद तुम कहाँ गायब हो गए थे? पता है क्या हुआ था? जिस ट्रांसपोर्ट कंपनी में मेरे हस्बैंड काम करते थे ना, उसके बारे में हमें पता चला वो ड्रग्स का काम करते हैं। तो जब हमें इस बारे में पता चल ही गया तो वहाँ काम करना बेकार था, बस उसके बाद ही हम अमेरिका शिफ्ट हो गए। आई एम सो सॉरी, आई होप अब सब कुछ ठीक है। बाय द वे, किस ट्रांसपोर्ट में काम करते थे? वो यहाँ की लोकल ही है, पता नहीं तुमने सुना होगा, आरबी ट्रांसपोर्ट। Are you sure? क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड भी वहीं काम करता है, उसने तो ऐसा कुछ नहीं बताया। अच्छा? हाँ। फिर पता है क्या है? या तो उसे सच में नहीं पता, या फिर वो जानबूझ के छुपा रहा है। मौसी, चलें? हाँ हाँ, चल रहे हैं। अच्छा एक जोत, मैं चलती हूँ, तू बस अपना ख्याल रखना, ठीक है? कम ऑन बेटा, आओ। यहाँ कुछ लोगों ने सारे यूथ को ड्रग एडिक्ट बना के रख दिया है, हर रोज किसी पे गोली चलती है। अरे तू छोड़ ना, हमें इन बातों से क्या लेना देना। हो रहे बॉब के आदमी, सोच क्या रहा है? मार दे सबको, ये कल के आए छोकरे हमारा धंधा चौपट करेंगे। चला गोली।
यार अर्जुन, जिंदगी तो बहनों के साथ ही होती है। अब ये दिखावे का अफसोस करने का क्या फायदा? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि ये जानते हुए भी कि आरबी ट्रांसपोर्ट ड्रग सप्लाई करता है, तुम फिर भी वहाँ काम करते रहे। हो सकता है मेरी मजबूरी हो। मजबूरी? कैसी मजबूरी? अपने घर को बचाने की? तुम इतने मतलबी हो गए कि अपना घर बचाने के लिए तुम दूसरों का घर तबाह करने चले थे? अगर ये काम मैं नहीं करता तो शायद कोई और करता, लेकिन ये काम ऐसे ही होता। शायद ऐसा कुछ भी ना होता अगर तुम आरबी का साथ देने के बजाय पुलिस का साथ देते। ना तो आज तुम्हारे पास फैमिली है और ना ही कर्मा के पास उसकी बहन। अभी भी तुम्हारे पास वक्त है हर्षू, तुम अभी भी पुलिस का साथ दे सकते हो। शायद तो ठीक कह रही है एकजोत, ये सब करके हो सकता है मेरे कुछ पाप कम हो जाए। अमेंडा, उस मासूम ने उनका क्या बिगाड़ा था? पता नहीं भगवान इन मौत के सौदागरों को कब सजा देगा। हम सबको इस बारे में कुछ करना होगा कर्मा, पर हमें हिम्मत नहीं हारनी होगी, हमें हिम्मत रखनी होगी। पूरे पूरे दिन मैं इस घर में अकेला पड़ा रहता था, पर अब आपको मेरी ये गलतियां नजर आ रही हैं। मैं आज जिस भी हालत में हूँ उसके जिम्मेदार हैं आप, ना कि मैं। ये पकड़ तू 100 का नोट और ये 10 अलग से, और जाके चाचे के लड़के को कह दियो मेरा बाप 100 मांगो तो 110 देता है। अरे बुर्जी साहब, हौसला रखिए, हौसला। हौसला कैसे रखूं, मेरा जवान बेटा मारा गया। आपको तो खुद शर्मा जी ने कितनी बार समझाया, कितनी बार पुलिस घर पर आई, अगर तभी उन्हें सब कुछ बता देते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। मुझे अब नहीं जीना, किसके लिए जीऊंगा, मुझे नहीं जीना। अरे नहीं नहीं बुर्जी साहब, जीना पड़ेगा आपको, उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए जो नशे के दलदल में फंसे हुए हैं, उन लोगों को इस दलदल से निकालने के लिए आपको जीना पड़ेगा। बॉब के भाई को मार के तूने अपनी मौत को खुद दावत दे दी है। तुझे क्या लगता है तुझे मैं जिंदा छोड़ दूंगा? सुन बॉब, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू तो क्या, इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है। मुझसे भिड़ने के लिए जिगरा होना चाहिए। तू क्या सोच के मुझसे भिड़ने चला आया? बेटे, जब मौत सामने होती है ना तो ऊपर वाले को याद करते हैं, कहते हैं उसे तकलीफ कम होती है। ठोक दो साले को। बाप, ये कुत्ते जो तू अपने साथ लेके आया है ना, ये कुत्ते हैं तो तेरे पर वफादार मेरे हैं। शूट हिम।
अच्छा सुनो ना भाई, जब हमने बॉब के भाई को मारा ना, तब कर्मा की बहन को भी गोली लग गई। कोई बात नहीं, गेहूं के साथ घुन तो पिसता ही है। हाँ भाई हरी, बैठ। डॉक्टर भुर्जी के बेटे के बारे में और कर्मा की बहन के बारे में सुना, सुनकर बहुत अफसोस हुआ। अफसोस? तुझे कैसा अफसोस? ये सब तेरा ही तो किया धरा है। ए, जबान संभाल के बात कर। यहाँ गोली चलने की आवाज भी नहीं आई। देख, तो रुक। सब कुछ मैंने किया है, वो दिन भूल गया तू? जब तूने अपनी मजबूरियों का वास्ता देकर यहाँ अपना जमीर बेच दिया था। हाँ, किया था जमीर का सौदा, लेकिन जिस परिवार के लिए ये सब किया था, आज ना तो वो परिवार बचा है और ना ही वो मजबूरियाँ। अब मैं जा रहा हूँ पुलिस के पास। आरबी, अभी भी मौका है, सुधर जा। हरी, पानी में रह करके मगरमच्छ से बैर नहीं करते हैं, एक बार फिर से सोच ले। अब सोचने का नहीं, करने का टाइम है आरबी। भाई, मैंने तो पहले ही कहा था, ये बंदा आगे चल के हमारे लिए मुश्किल पैदा करेगा। आरबी को मुश्किलों से निपटने में टाइम ही कितना लगता है। जा, निपटा दे। बॉयज, लेट्स गो। एक जोत, मैं जानता हूं तुम मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती हो। मैं भी तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा और ना ही मैं अपने रिश्ते को बचाने के लिए कोई सफाई देने आया हूं। मेरी वजह से जितनी मासूम जिंदगियां गई हैं, उनकी सजा भुगतने के लिए मैं अपने आप को पुलिस के हवाले करने जा रहा हूं। हो सके तो मुझे माफ कर देना। क्या किया एकजोत? मेरे गुनाहों की सजा अपने सर ले ली। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं किसके लिए जीऊंगा? नहीं अर्जुन, तुम जियोगे। जो कुछ भी तुम्हारे और मेरे भाई के साथ हुआ, वो तुम किसी और के साथ नहीं होने दोगे। वादा करो। हाँ, हाँ, मैं वादा करता हूँ, मैं वादा करता हूँ एकजोत। कर्मा, पता नहीं किस्मत को क्या मंजूर है यार, मेरा तो सब कुछ लुट गया। मेरा परिवार, मेरा देश, मेरा पंजाब, और इस सब के बाद एक जोत मेरी जिंदगी में उम्मीद बनकर आई थी। लगता है मेरे गुनाहों की सजा एक जोत को मिल गई है। मुझे माफ करना मेरे दोस्त, ट्रांसपोर्ट में ड्रग्स का काम होता है ये मैं पहले से जानता था, लेकिन मैंने तुझे नहीं बताया। यार, वो तेरी मजबूरी थी, पर अब बहुत हो गया। ये वक्त बातें करने का नहीं, कुछ करके दिखाने का वक्त है। तू फिक्र मत कर कर्मा, जो गेम आरबी ने हमारे साथ खेला है, अब वही गेम हम आरबी के साथ खेलेंगे। Thank you.
यहाँ? लगता है तू मेरे हाथों से ही मरेगा। जब अपनी जान का पता ना हो ना, तो दूसरों की जान के सौदे नहीं करने चाहिए। और तुझे तो लोगों को ड्रग्स बेचने का बड़ा शौक है ना, है ना? तेरी कसर आज मैं पूरी करता हूं। पता है ना, ये पूरी दुनिया मेरे कदमों में झुकती है और तू आ गया मुझसे भिड़ने, अब तू यहां से बच के नहीं जाएगा। कौन बचेगा ये देखते हैं। चल। नीचे से। बहुत मासूमों को तूने इस दलदल में फेंका है ना, अब देख खुद कैसा महसूस होता है। खींच और खींच। याद कर तूने कितने मासूमों की जान ली है, जब खुद की मौत आएगी तब पता चलेगा। खींच। ना यार, क्या हुआ तुझे? रिक, रिक, उठ मेरे भाई, उठ। क्या हो गया तुझे? हरजोत, ये सब तूने किया? मेरी बात सुन, जब तूने गन उठा ही लिए तो चला इसे, दिखा मत, चला दे इसे, गोली मार। तुझे मैं नहीं, वो मारेगा जिसे तूने जीते जी मार दिया है। कर्मा, लोगों की जिंदगी के फैसले करेगा? अभी भी वक्त है, मेरी बात मान ले तू, तुझे जिंदा छोड़ दूंगा। तबे हर घटिया विलन ऐसे ही घटिया डायलॉग मारता है, खुद की गर्दन पे तलवार लटकी होती है लेकिन दूसरों की जिंदगी बख्शने की बात कर रहा होता है। क्या लगता है तुम दोनों को, मुझे मार कर तुम बच जाओगे क्या और पुलिस तुम्हें छोड़ देगी? और अगर तुम मुझे जेल पहुंचाना चाहते हो तो क्या सबूत है तुम्हारे पास कि ये सब मैंने किया है? सबूत? आरबी, तुझे क्या लगता है ये खेल सिर्फ तुझे खेलना आता है क्या? वो तो हमारी मजबूरियां थी जो तू हमसे उल्टे सीधे काम करवाता रहा, लेकिन अब हमारी कोई मजबूरी नहीं। और वो कहते हैं ना, ऊपर वाले के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। चाचा, We'll be right back.
यहाँ? लगता है आरबी ने अपने कुत्ते खुले छोड़ने शुरू कर दिए। हैरी, तू जिंदगी में फैसले बहुत जल्दी ले लेता है। यहाँ बैठ के बातें मत घुमा, साफ साफ बोल क्या कहना चाहता है। जो तू देख रहा है ना, सच वो नहीं है, सच तो कुछ और ही है। जैसे ही उसे पता चला कि तू उसके हाथ से निकल रहा है, तो आरबी ने तेरे परिवार की मौत की झूठी खबर फैला दी। तेरी ताई को पैसे का लालच दिया उसने और तू उसकी बात मान गया। अब एक बात और सुन मेरी, एक जोत को गोली मारी आरबी के छोटे भाई रिक ने, और वो भी आरबी के कहने पर। हरजोत, ये झूठ बोल रहा है, तू यकीन मत करना इसकी बात का। और सच्चाई से तो तू भी बहुत दूर है कर्मा। तेरी बहन को भी गोली आरबी के भाई मांबा ने मारी रिक के कहने पर। चाचा, ये भगवान का घर है, नहीं तो तुझे। नहीं कर्मा, हम ये यकीन कैसे कर लें कि तू सच बोल रहा है। सच? ये है मेरा सच। आरबी के साथ जितनी दुश्मनी तुम दोनों की है, उससे कहीं ज्यादा मेरी दुश्मनी उससे है। आरबी के जहर के जिस धंधे के कारण तुम दोनों की जिंदगी बर्बाद हुई है ना, उसी जहर की वजह से मैंने अपना छोटा सा बेटा खोया है। मैं तो मौके की तलाश में था कि कब मुझे मौका मिल जाए और मैं इस आरबी को उसके किए की सजा दूं। और आज वो मौका मुझे तुम दोनों की आंखों में साफ दिखाई दे रहा है। और अगर फिर भी तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो जाओ बता दो मेरी सच्चाई, जाओ बता दो सब उसे। चाचा, अगर ये बात है तो फिर चिंता मत करो, जैसा हम कहेंगे आप वैसा ही करना। आरबी, तेरी लंका तो विभीषण ने जला दी। चाचा, तू? मैंने तो तुझे हमेशा अपना भगवान समझा। ओए भगवान, और मैं कब से तेरा भगवान बन गया? आरबी तेरे लिए तो हमेशा से ही पैसा भगवान रहा है, पैसा। और इसके लिए न जाने कितनी मासूम जिंदगियों को तूने तबाह कर डाला, और उसी जहर ने मुझसे मेरा छोटा सा बेटा भी छीन लिया, पता है तुझे। लेकिन फिर भी मैं तेरे घर में एक कुत्ते की जिंदगी जीता रहा, इस इंतजार में कि समय आने पर तुझे तेरे पापों की सजा दूंगा। और आज समय आ गया है कि मैं अपना बदला लूं। नहीं चाचा, इसको सजा कानून देगा। कर्मा। हाँ भाई। कर दे इसे पुलिस के हवाले। चल भाई चल, उधर क्या देख रहा है, सीधा चल। सरकारी गवाह बनकर मैंने और कर्मा ने आरबी को पुलिस के हवाले कर दिया, और इसके साथ ही हम दोनों ड्रग के इस दलदल से बाहर निकल आए। यार कर्मा, आरबी का तो खेल खत्म हो गया, अब जल्दी से मुझे पंजाब भेज दे यार, वहां पता नहीं सबका क्या हाल होगा। तो फिक्र मत कर यार।
ज्योत भैया आ गया? आ गया निमी, मैं आ गया निमी। शादी के लिए गहने लेके आए हो ना? हाँ निमी, बोलो। सब लाया हूँ। मुझे पता था आप आएंगे, जरूर आएंगे। आएंगे। उन्हीं को कौन टाल सकता है हरजोत? हाँ जी, आप कौन? मैं हरजोत का चाचा हूँ, इंडिया से आया हूँ, हरजोत से मिलना था। जहाँ तक मैं जानता हूँ, यहाँ तो कोई हरजोत नाम का आदमी काम नहीं करता। इंडिया में उसका फोन आया था कि मैं आरबी ट्रांसपोर्ट्स में काम करता हूँ। देखिए भाई साहब, कनाडा बहुत बड़ा देश है, यहाँ आरबी भी कई हैं और ट्रांसपोर्ट कंपनियां भी। कोई जरूरी काम था क्या? हाँ जी। देखिए, मैं आसपास यहाँ कहीं पता करवा दूंगा, अगर वो यहाँ मिल गया तो बताइए क्या मैसेज देना है उसको। एक जरूरी मैसेज है जी। बताइए। कि इंडिया में उसके माँ बाप का देहांत हो गया है, उसे बस यही बता दीजिएगा, बहुत मेहरबानी होगी। आप फिक्र मत कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसे ढूंढने की। भगवान आपका भला करे। पर हरजोत तो यही काम करता है ना? हरजोत नहीं, हैरी काम करता है यहाँ। तुझे कितनी बार कहा है कि अपने काम से काम रखा कर, ये जाके रिसेप्शन पर भी बता दे कि मेरे से बिना पूछे कोई उससे ना मिले और ना ही कोई मुझसे ये पूछने आए। और तुझे ये पता है ना कि तुझे कनाडा में भी पीआरशिप मिली नहीं है। बहुत भटकने के बाद भी तेरा कुछ पता नहीं चला बेटा। अब तू जो इंडिया आया है तो तेरी बहन ने तेरे ही हाथों में दम तोड़ दिया बेटा। मेरी तो एक ही सलाह है बेटा, तू जहां से आया है अब वहीं वापस चला जा, इसी में तेरी भलाई है। हरजोत,
इस पूरी कहानी को सुनकर मुझे ऐसा लगा है कि काश हम इनसे इनकी कहानी ना सुनते, क्योंकि इनकी कहानी दुख भरी कहानी है। क्योंकि जैसे जैसे ये अपनी कहानी सुना रहे थे, मैं बैठे बैठे ये सोच रहा था कि हालात का मारा इंसान क्या क्या करता है। पहले पंजाब छोड़ा, फिर आगे भी ऐसे पंजाबियों से इनका सामना हुआ जिन्होंने इनकी सारी जिंदगी तबाह कर दी। मैं चाहता हूं कि हम एक ऐसा समाज बनाए ताकि हरजोत के साथ जो कुछ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। सबसे पहले तो हमें अपने बच्चों को सुधारने की जरूरत है। अगर बच्चा आपके साथ रहता है, अपने सुख दुख बांटता है, आपका उसके साथ एक ऐसा नाता हो कि वो आपसे कुछ ना छिपाए, तो बच्चा बिगड़ ही नहीं सकता। उसे स्कूल छोड़ने जाओ, लेकर आओ, उसके साथ खेलो, उसको ट्यूशन लेकर जाओ, माँ उसका हमेशा ख्याल रखे। अगर माँ कोई काम कर रही है तो पिता संभाले, नहीं तो वो एक गलत संगत में पड़कर खुद को बिगाड़ लेगा, उसकी जिंदगी तो बर्बाद होगी ही, साथ ही वो समाज को भी बर्बाद कर देगा, और ये समाज के लिए खतरा है। पर दोस्तों, इसमें सारा दोष इन बच्चों का नहीं है, ये तो सिर्फ एक जरिया है जिनका वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। असली गुनहगारों का तो हमें पता ही नहीं जो इनसे ये सब कुछ करवा रहे हैं। वो लोग बस हमारे समाज को गंदा करना चाहते हैं, उस समाज को जिसे हमने बड़ी मेहनत से बनाया है। अगर हमें अपने समाज को सुरक्षित रखना है तो हमें अपने बच्चों को संभालना होगा, अपने परिवार को संभालना होगा, हमें उन्हें अच्छे और बुरे का फर्क समझाना होगा, और इसके लिए जरूरी है कि बच्चों को अच्छी परवरिश और अच्छी शिक्षा मिले ताकि हमारा भविष्य बेहतर हो। इस धरती पे आज तक जितने भी महापुरुष पैदा हुए हैं, हम सबको उनके जीवन से कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि इसी से हमारा समाज बेहतर बन पाएगा। धन्यवाद। हरमन, क्या हुआ? कुछ नहीं सिमरन, जिस बात पे मुझे शक था वो यकीन में बदल गया। तुम्हें कहा था ना कि इनका चेहरा मुझे किसी की याद दिलाता है, इसीलिए मैं इनकी कहानी सुनना चाहता था। छोड़, कुछ अधूरे काम है जो मुझे पूरे करने हैं, बाद में मिलता हूं। नमस्ते। नमस्ते बेटा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरे कहने पर हम सबके साथ अपनी कहानी शेयर की। कहानियां तो बेटा सबकी होती हैं, कोई सुना देता है तो कोई दिल में रख लेता है। मेरी एक और बात मानेंगे? हाँ बोलो। गुरुद्वारे चलेंगे मेरे साथ? चलो बेटा। चलिए मैं पाक करके आता हूं। हे ऊपर वाले, आज दो बिछड़े हुओं को मिला देना।
हरजोत। सुख तुम? हाँ, तुम्हारी अपनी सुख। कहाँ खो गए थे तुम? बस भटक गया था सुख, और जब तुम छोड़कर चली गई तो जिंदगी ने जो भी रास्ते दिखाए सब मुश्किल थे, बस उन्हीं रास्तों पर भटक गया था। तुम्हें इतने सालों में मेरी एक बार भी याद नहीं आई। इतने सालों से तुम्हारी यादों के सहारे जिंदा हूं मैं। मैं भी तुम्हारी यादों के सहारे ही जिंदा था सुख। वो तो भला हो उस लड़के हरमन का, जिसने हर वक्त मुझे हरमन अपनों के होने का एहसास करवाया। हरमन, हरजोत, तुमने उसे नहीं पहचाना? नहीं। वही तो तुम्हारी मेरे पास एक आखिरी निशानी थी, जिसके सहारे मैंने अपनी सारी जिंदगी काट दी। हरमन हमारा बेटा है? हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, तेरे खेल निराले हैं। अब तो तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना? नहीं सुख, अब बेशक जिंदगी मेरा साथ छोड़कर चली जाए, लेकिन मैं तेरा साथ मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। दुनिया दिया रीता तो मजबूरी ना हो गए, जो दिल दे करीब सी वो दूरी ना हो गए। कीनू कीनू जाके दसा, कीनू कीनू जाके दसा, मजबूरिया बर्बाद। साथों सहियां नहीं हो जांदियां ए दूरियां बेरबा, दुनिया दियां रीतां तो मजबूरी ना हो गए, जो दिल दे करीब सी ओ दूरी ना हो गए। कीनू कीनू जाके दसा, मजबूरियां बेरबा। साथों सहियां नहीं हो जांदियां ए दूरियां बेरबा, साथों सहियां नहीं हो जांदियां ए दूरियां बेरबा। जिंदगी च दस ले मोड़ कानू आया है, सानू ओदे प्यार ने बड़ा तड़पाया है, जिंदगी च दस ले मोड़ कानू आया है। रली थादियां जो कसमां, थादियां जो कसमां या दूरियां बेरबा। आगे फ्राइडे वाली नाइट मित्रो, एमे का तो बैठे आको आइट मित्रो, आगे फ्राइडे वाली नाइट मित्रो, एमे का तो बैठे आको आइट मित्रो। बोली उत्ते बोली पावो उच्ची उच्ची हेका लावो, बोली उत्ते बोली पावो उच्ची उच्ची हेका लावो, करनी ये गल यारो खरी तो खरी। लट लो नजारे पालो मोटा मोटा सारे देख मूड जा बना, नजारे पालो मोटा मोटा सारे देख मूड जा बना कि लाल जी परी। कोई परवान जेबा डालर ना फुलने,
पैंदे यार मुलने कोई परवानी जे बा डालरा ना फुलने सख्त कमाइया दे भी पैंदे यार मुलने रब दी रजा चाहां बदेशा विच रहिंदे रब दी रजा चाहां बदेशा विच रहिंदे सानू मेहनता दी रहिंदी सदा मस्ती चढ़ी लट लो नजारे पालो मोटा मोटा सारे देख मूड जा बनाउंदी कि मे लाल जी परी लट लो नजारे पालो मोटा मोटा सारे देख मूड जा बनाउंदी कि मे लाल जी परी नजारे पालो मोटा मोटा